दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल एंड वेलकम टू द बैंड्रा सीरीज़। एक और सीनिक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके पास, और आज हम आए हैं बैंड्रा के कैस्टाला डी एग्वाड़ा। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो बैंड्रा फोर्ट। दोस्तों ये फोर्ट ना बहुत छोटा सा है, और ये छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम गए थे हाजी मलंग फोर्ट, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और काफ़ी ज़्यादा चढ़ना था। ये ज़्यादा चढ़ना नहीं है, लेकिन ये जिस जगह पर लोकेटेड है ना, एकदम ज़मीन के एंड में, जिसे कहते हैं बैंड्रा का लैंड्स एंड, ज़मीन के एंड में, और उसके बाद पानी शुरू होता है। और जहाँ पे लोकेटेड है ना, वहाँ से बैंड्रा वर्ली सीलिंग का जो व्यू दिखता है वो बहुत ही एडमायरेबल और मेस्मराइजिंग है, बहुत ही सीनिक लोकेशन पे है। तो ये छोटे से फोर्ट को आज एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फोर्ट के बाहर भी जो जगह है ना, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ फोर्ट से पहले, क्योंकि वो जगह भी इतनी सुकून वाली और इतनी खूबसूरत है कि आप एडमायर करोगे। सो दोस्तों, बैंड्रा फोर्ट ऑफ बैंड्रा, लेट्स गो फॉर इट। और अगर शुरुआत करूँ ना, तो मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये देखिए फोर्ट वहाँ पे है, हमको वहाँ पे जाना है, फोर्ट वहाँ पे है। लेकिन ये जगह आप देखिए कितनी खूबसूरत है, आई थिंक इससे बेटर सुबह आप स्पेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक प्रॉपर बना हुआ है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि बैंड्रा जो शहर है वो प्रॉपर हर तरीके से, मतलब वेल इक्विप्ड है और अच्छे से बना हुआ है। और आप यहाँ पर अगर देखो ना, तो लोग आपको वॉकिंग करते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे बाहर भी इतना ज़्यादा स्पेस है, और वहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है। जस्ट इमेजिन आप वहाँ पे बैठ रहे हो और ये खूबसूरत सुबह आप इंजॉय कर रहे हो, इससे बेटर व्यू नहीं हो सकता, और इससे बेटर हम सुबह स्पेंड नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन यहाँ पे चल के बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये देखिए वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग है, और ये खूबसूरत व्यू, और ये जो पानी की आवाज़ है ना, ये जो लहरों की आवाज़ है, ज़बरदस्त है। अब हम जाते हैं फोर्ट की तरफ। वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वो फोर्ट है, उसके दो एंट्रेंस है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। हम दोनों एंट्रेंस के ज़रिए जाएंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से भी रास्ता है जाने का, लेकिन यहाँ से हम उतरेंगे तो ये भी एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये है यहाँ का पहला गेट। अगर आप देखो ना, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी भाषा में है, लेकिन क्योंकि ये पोर्चुगीज़ फोर्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वो पोर्चुगीज़ में लिखा हुआ होगा। लेकिन ये है इसका एंट्रेंस, ये देखिए। अब हम जाते हैं अंदर। दोस्तों इस फोर्ट के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं, लेकिन शुरू करता हूं सबसे पहले टाइमिंग के साथ। अगर टाइमिंग की बात करूं ना, तो सुबह 6 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ये फोर्ट खुला रहता है। और अगर नाम की बात करूं, तो बैंड्रा फोर्ट से ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है कैस्टाला डी एग्वाड़ा। इसका अगर ट्रांसलेट करूँ मैं, तो इसको कहते हैं फोर्ट ऑफ द वाटर पॉइंट। दोस्तों 1534 में पोर्चुगीज़, जिन लोगों ने यहाँ पर इस एरिया में बेस बनाया हुआ था, डिफ़ीट करके बहादुर शाह ऑफ गुजरात को, उन्होंने ये फोर्ट बिल्ड किया था 1640 में एज अ वॉच टावर, देखने के लिए कि मतलब दुश्मन कहाँ है, क्या है। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप इस फोर्ट को देखो ना, तो काफ़ी तरीके से आपको ये डैमेज लगेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, जैसे कि बहुत ही शूटिंग के लिए ये बहुत फेमस है। अगर आप देखो तो ये फोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दूसरा अंदर का एंट्रेंस है, जहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर कुछ फेमस फिल्में आपको बताऊँ ना, तो दिल चाहता है कि शूटिंग यहाँ पर हुई थी, और बुड्ढा मिल गया एक मूवी थी जिसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। आगे मैं आपको जब ये फोर्ट थोड़ा सा और आगे ऊपर ले जाऊँगा ना, तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि काफ़ी ज़्यादा ये फोर्ट ना इस वक्त के तौर पे काफ़ी डैमेज्ड है। लेकिन पोर्चुगीज़ ने जब इसे बिल्ड किया था 1640 में, उसके बाद 100 साल बाद मराठास भी आए थे, जिन्होंने इसको कैप्चर किया था। लेकिन आज के टाइम पर ये जो फोर्ट है, इसको ओन करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और काफ़ी हद तक कहा जाता है इसे के इसे काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, फिर से बनाया गया है, डैमेज जितने भी थे वो सुधार लिए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप फोर्ट के ऊपर जाओगे ना, जब मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, आप देखोगे कि काफ़ी हद तक अभी भी डैमेज है ये फोर्ट। दोस्तों ये तो रही हिस्ट्री की बात, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये जगह अगर हम देखें ना, तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह का जो लोकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से जो आपको व्यू, मैं अभी आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है, जो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चलते रहती है, जो यहाँ पे मौसम रहता है ना, वो ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप बैंड्रा आ रहे हो ना, तो आपको ये जगह पे आना चाहिए, विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से व्यू, यहाँ का मौसम और यहाँ का जो ऑरा है ना,
वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर आप सुबह 6 बजे आ रहे हो या शाम को 6 बजे आ रहे हो तो आपका दिन बन जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। बैंड्रा आओ तो बैंड्रा फोर्ट ज़रूर से विज़िट करना। अब आगे बढ़ते हैं, 360 डिग्री व्यू देखने के बाद दोस्तों हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये खूबसूरत व्यू एक तरफ देखते देखते यहाँ से आगे जाना है। और दोस्तों यहाँ पे ना ये फोर्ट से एकदम अटैच्ड एक गार्डन भी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम, लेकिन पहले फोर्ट देखते हैं और थोड़ा सा। और बस ये जो दिख रहा है ना, ये बस यहीं पे है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है फोर्ट। इतना छोटा सा है, इसे एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था देखने के लिए कि अगर कोई दुश्मन वहाँ से आ रहा है या नहीं, पानी से आ रहा है या नहीं। लेकिन वहाँ पे जो स्काईलाइन भी दिख रहा है ना, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से ज़्यादा चढ़ना नहीं है, इसीलिए ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये देखिए, यहाँ से अगर आप जाओगे ना तो गार्डन मिल जाएगा आपको। ये है टॉप ऑफ बैंड्रा फोर्ट, बस इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। ओहो देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है ना तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बिल्डिंग के ऊपर आपको सनराइज होता हुआ दिख रहा होगा, सूरज ऊपर की तरफ आ रहा है और वो दिख रहा होगा। और अगर आप ये व्यू देखो, ये देखिए, ये पूरा स्काईलाइन है, ये पूरा मुंबई का स्काईलाइन है। स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और ये पानी की आवाज, और वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो अरेबियन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वहां पे कोई स्काईलाइन नहीं दिख रही है। आई थिंक वहां पे सिर्फ पानी दिख रहा है, दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी दिख रहा है। ये खूबसूरत स्काईलाइन को जितना एडमायर करो उतना कम है। दोस्तों सामने देखिए, ये वो सनराइज है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा था, अभी आपको दिख रहा है वो सीधा सामने। अभी एक्चुअली टाइम 7 AM के आसपास हो रहा है, और वो देखिए जो सनराइज होता हुआ आपको दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, पूरा ऑरेंज कलर का गोल दिख रहा है, और मैं बता नहीं सकता, इतना खूबसूरत दिख रहा है ना वो कि मैं बता नहीं सकता। ये देखिए, बैंड्रा वर्ली सीलिंग से आपको गाड़ी आते जाते दिख रही होगी, और सामने सनराइज, इससे बेटर व्यू क्या हो सकता है यार। यहाँ से क्योंकि मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ गया हूँ तो यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री व्यू है, और ये वो गार्डन है जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको गार्डन मिलेगा, लेकिन ये पूरा 360 डिग्री व्यू एट द टॉप ऑफ बैंड्रा फोर्ट। और अगर आप नीचे देखो ना, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, थोड़ा सा संभाल के, यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, और वो जो पत्थर रखे हुए हैं वहाँ के थ्रू आप जा सकते हो और थोड़ा सा इस पानी को एक्सप्लोर कर सकते हो। और बस इतना ही प्यारा है ये बैंड्रा शहर जितना ये सनराइज है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इतना छोटा सा था बैंड्रा फोर्ट, लेकिन कितना सीनिक लोकेशन पे था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी और ये व्यू कैसा लगा। बस इतना सा ही था, अब हम जाते हैं वापस। हम वहाँ से उतरते हैं जहाँ से मैंने बोला था उतरूँगा, क्योंकि वो प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, और नीचे उतरते उतरते फिर से अरेबियन सी का व्यू देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस तरफ से हमको वापस जाना है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो गार्डन है, और अगर आप गार्डन के थ्रू जाओगे ना तो वहाँ से भी आप नीचे उतर के निकल सकते हो, लेकिन हम जाएंगे इधर। अगर आप देखो ना तो कई तरीके से ये डैमेज लग रहा है। ये हम आ गए यहाँ पे, और अब यहाँ से उतरेंगे और नीचे चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ी प्रॉपर बनी भी नहीं है, पर वो व्यू देखते देखते अगर आप उतरोगे ना तो यहाँ गिर सकते हो, थोड़ा सा संभाल के।